क्या अमेरिका देने जा रहा है तालिबान को मान्यता? पहली बार अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाली है बैठक। पाकिस्तान ने मांगी अफगानिस्तान के लिए भीख। दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान पे कब्जे के बाद ऐसे हालात हो गए हैं कि कोई देश उन तालिबानियों के आतंकी शासन को मान्यता नहीं देना चाहता, और भला दे भी क्यों। इन तालिबानियों के कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये तो दुनिया ने इन तालिबानियों की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही देख लिया था। दोस्तों, तालिबान पूरी कोशिश में लगा है कि उसे वैश्विक मान्यता मिल जाए, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि आप नरसंहार करो, आतंकी हमले करो, जनता को कष्ट पहुंचाओ और दुनिया आपके करतूतों की वाहवाही करे। वहीं दोस्तों, तालिबान से अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने के बाद और इस बात से मुहर लग गई कि इन तालिबानियों को पाकिस्तान के अलावे कोई देश समर्थन देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है दोस्तों, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। हाल ही में अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बुला लिया था, और जिस प्रकार से अमेरिका का रवैया तालिबान को लेकर पूरी दुनिया के सामने आया था, उससे ये तो साफ हो गया था कि अमेरिका अब कभी तालिबानियों से कोई संबंध नहीं रखेगा। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं, वो सुन आप भी चौंक जाएंगे। वहीं हाल ही में पाकिस्तान ने तालिबानियों के संदर्भ में काफी कुछ बोला, इस पर क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों, इन खबरों पे आपको हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमेरिका करने वाला है तालिबान से फेस टू फेस मीटिंग। इस मीटिंग का मकसद क्या होने वाला है? अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से पहली बार अमेरिका और तालिबान के बीच आमने सामने की बैठक होने वाली है। अमेरिका कतर की राजधानी दोहा में वरिष्ठ तालिबान नेताओं के साथ वीकेंड में अपना पहला व्यक्तिगत बातचीत करने वाला है। इस बैठक को लेकर एजेंसियों का कहना है कि इसका मकसद अफगानिस्तान से विदेशी नागरिकों और जोखिम का सामना कर रहे अफगानों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाना होगा। हालांकि अमेरिका ने जोर देकर कहा कि शनिवार और रविवार को होने वाली बैठक से यह संकेत नहीं मिलता कि वह अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता दे रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि तालिबान को वैधता उसके कार्यों के तहत मिलनी चाहिए। एसोसिएटेड प्रेस ने एक अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि वीकेंड पर होने वाली वार्ता तालिबान नेताओं की उस प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कि वे अमेरिकियों और अन्य विदेशी नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की अनुमति देंगे। साथ ही अमेरिका के साथ काम करने वाले अफगानों को भी देश छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का पालन करने के लिए तालिबान पर दबाव बनाना चाहता है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का पालन करने के लिए तालिबान पर दबाव बनाना चाहता है। अफगानिस्तान में कई महिलाओं और लड़कियों को नौकरियों और स्कूलों में लौटने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा, हम महिलाओं और लड़कियों सहित सभी अफगानों के अधिकारों का सम्मान करने और व्यापक समर्थन के साथ एक समावेशी सरकार बनाने के लिए तालिबान पर दबाव डालेंगे। प्रवक्ता ने कहा, अफगानिस्तान एक गंभीर आर्थिक हालात और संभावित मानवीय संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में हम तालिबान पर मानवीय एजेंसियों को जरूरत वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति को लेकर भी दबाव डालेंगे। दोस्तों, ये तो देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग के बाद आखिर होता क्या है। अफगानिस्तान में फंसे दर्जनों अमेरिका नागरिकों के अफगानिस्तान में फंसे रहने की आशंका। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसका मतलब अभी भी अंदेशा है कि दोनों पक्ष में से कौन कौन से लोग सामने आने वाले हैं। इससे पहले सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल फ्रैंक मैंकेजी सहित वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने अगस्त में काबुल में तालिबान से मुलाकात की थी। इस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने एयरलिफ्ट के लिए हवाई अड्डे पर कब्जा किया था। प्रवक्ता के अनुसार गुरुवार को 105 अमेरिकी नागरिक और 95 ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिका द्वारा भेजी गई उड़ानों के जरिए देश से बाहर निकाले गए। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि दर्जनों अमेरिका के नागरिक और ग्रीन कार्ड होल्डर्स देश में अभी भी फंसे हुए हैं। इमरान खान दिखे अफगानिस्तान के लिए परेशान, कर दी बिल गेट्स से अफगानिस्तान को मदद करने की अपील। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अफगानिस्तान के लिए बेहद परेशान दिख रहे हैं। परेशान इमरान ने अब माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स से मदद मांगी है। इमरान ने यह मदद अफगानिस्तान को मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए मांगी है। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था और
तब से ही ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देश को मदद की सख्त जरूरत है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान ने गेट्स से फोन पर बात की है। गेट्स इस समय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन हैं। इमरान ने इस दौरान पोलियो को खत्म करने के लिए जारी प्रयासों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में पोषण की बेहतर होती स्थिति और वित्तीय सेवाओं के लिए फाउंडेशन की तरफ से जारी मदद पर भी बात करी है। इस बाबत इमरान के ऑफिस की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया। पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक 5 अक्टूबर को टेलीफोन पर बातचीत पर पीएम इमरान खान ने बिल गेट्स से कहा कि युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान में आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, उन्हें वित्तीय सहायता की सख्त जरूरत है। पीएम ऑफिस की माने तो इमरान ने अफगानिस्तान की स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर बातचीत की। साथ ही उनका मानना है कि दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब तक पोलियो का खतरा बना हुआ है। इमरान ने पिछले दिनों दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का सर्वश्रेष्ठ तरीका बस तालिबान के साथ वार्ता है। ये तो वही हो गई बात दोस्तों कि अगर तालिबान को कोई और देश मान्यता नहीं दे रहा है तो पाकिस्तान अपने कूटनीतिक चालों से हर देश को तालिबान को मान्यता देने के लिए मजबूर कर रहा है। यह कितना संभव है ये तो हम सभी जानते हैं। साथ ही महिला अधिकारों और खास तरीके से सरकार चलाने के लिए तालिबान के साथ वार्ता ही एकमात्र विकल्प है, और ऐसा ही कुछ इमरान खान ने बिल गेट्स से कहा। उनका कहना था कि तालिबान को थोड़ा समय देने की जरूरत है। साथ ही वो यह कहना भी नहीं भूले कि अगर तालिबान को मदद नहीं मिली तो फिर एक अशांति की स्थिति पैदा हो सकती है। इमरान के शब्दों में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अब यहाँ की सरकार के साथ में मिलकर और सभी गुटों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अफगानिस्तान में हो सकता है कि 40 साल के बाद शांति आ जाए, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ और हम इसके लिए परेशान हैं फिर सब कुछ अशांत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा मानवाधिकार संकट पैदा होने वाला है, एक बड़ा शरणार्थी संकट आने वाला है। दोस्तों ये इमरान खान ने बिल गेट्स से बातचीत के दौरान कहा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगला कदम क्या होता है। बता दें कि चीन ने 1 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया और उसके साथ ही उसने ताइवान के सामने अपनी ताकत और धौंस जमाने की कोशिश की। 2021 में ताइवान के खिलाफ दादागिरी की सभी हदें पार करते हुए 1 अक्टूबर से लेकर अब तक चीन के करीब 150 वार प्लेन्स ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। अकेले मंगलवार को ही चीन के करीब 56 फाइटर जेट्स ताइवान के आसमान में देखे गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उड़ान भरने वाले चीन के इन लड़ाकू विमानों में 34 J-16 लड़ाकू विमान और 12 H-6 परमाणु बम वर्षक विमान शामिल थे। इसी के बाद ताइवान बौखला उठा और चीन को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अगर वो हम पर यानी चीन उन पर हमला करना चाहते हैं तो उनके पास पहले से ऐसा करने की योग्यता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इसका समाधान कैसे निकल सकता है। हम किसी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने दुस्साहस किया तो हम भी दिखा देंगे कि हमारे पास कैसी क्षमता है। ताइवान में हवाई घुसपैठ और ताइवान की चेतावनी पर चीन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है दोस्तों, लेकिन चीन की हवाई घुसपैठ से साफ है कि चीन ताइवान पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और उसका अंदाजा अमेरिका को भी लग चुका है। इसीलिए ताइवान के बाद अब अमेरिका ने भी चीन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।